छठ पूजा के दृष्टिगत नगर निगम ने घाटों और कुंडों की सफाई का दावा किया था, लेकिन छठ पूजा के एक दिन पूर्व भी ईश्वर गंगी कुंड की सफाई नहीं हो पाई। स्थानीय पार्षद सुनील यादव ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम सामान विभाग जन संस्थान दोनों लोग को सूचना दिए थे। जन संस्थान को कहा गया कि इसमें जीएम साहब को कहा गया कि इसमें पानी ने थोड़ा भरवा दे ताकि लोग आए यहाँ पर क्षेत्रीय लोग पूजा पाठ रहे। छठ पूजा काफी भीड़ होती है और सामान विभाग को सफाई को लेकर भी कहा गया, लेकिन सही समय पर सफाई नहीं करा रहे हैं। कई बार कहा गया जो जब समय आ जाता है एक दो दिन बचता है तो ये लोग सफाई में काम लगाते हैं। तो जानते हैं कि हर समय जब होता है ये त्योहार तो पहले ही से इसको कर्मचारी लगाकर कराना चाहिए, खाली खाना पूर्ति करने में तैयार हो जाते हैं। अब एक दिन में कहाँ सफाई हो पाएगी। कितने लोग यहाँ पर छठ करते हैं हर साल? अरे काफी यहाँ में लोग रहते हैं, हजारों लोग के ऊपर रहते हैं। तो ये सब क्या स्थानीय लोग हैं या बाहर के भी लोग आते हैं? स्थानीय लोग हैं, गंगी दारा नगर जयतपुरा कभी चौरा यही सब जगह के लोग आते हैं। तो क्या लग रहा है कल तक सफाई हो पाएगी? जो स्थिति लग रही है कल तक हो पाएगी सफाई? भाई ये लोग तो लगे हुए हैं, सही समय पर काम ना होने को सफाई हमको नहीं लग रहा है हो पाएगा। और इसमें काफी गंदगी भी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक वाइब।